सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप डी परीक्षा 2023 की सूचना जारी की गई है, जिसमें अभ्यर्थी 10वीं पास आवेदन कर सकता है और इसकी डेट 20/12/2023 से 9/1/2024 तक के लिए आवेदन दिया गया है। इसकी ओबीसी और जनरल और एससी वालों की सबकी फ़ीस अलग अलग है, जो 850 और 175 रुपये एसटीएससी वालों के लिए है और अदर कास्ट के लिए 850 रुपये है। इसका एडमिट कार्ड जनवरी में आएगा और एग्ज़ाम फरवरी में है। यह इसका लिंक है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए है और इसमें कुछ अलाइबिलिटी है। इसमें कुछ एज की छूट दी गई हैं, जो 18 से 26 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी का है तो 5 साल का, और अगर कोई बैकलॉग वर्ड से है तो 3 साल का और 10 साल की छूट रहेगी। उसके बाद आप इसमें और भी नोटिफिकेशन है तो आप ज़रूर चेक करें। इसके बाद इसके पदों की बात करें तो 484 पद निकाले हैं, जो 10th पास के लिए हैं और सफाई कर्मचारी एवं उप कर्मचारी की भर्ती दी है। इसमें यह हैंडराइटिंग है जो स्कैन होके आपको लिखना है और अपलोड करना है बाद में, और एक थंब लगेगा लेफ्ट हैंड का जो आप अपलोड करोगे। चलिए अब फॉर्म भरते हैं। क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नाम डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम में डालेंगे, मिडिल नेम आपका है तो मिडिल नेम डालें, मेरा नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। उसके बाद लास्ट नेम आए, लास्ट नेम डालें अपना, जो भी आपका है वह मार्कशीट के अनुसार ही भरें, क्योंकि और कोई डालोगे जानकारी तो वह फेल हो जाएगी। यह मोबाइल नंबर चालू वाले रखें, ईमेल आईडी डालें और कैप्चर कोड डालें। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इस तरह से मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। एक आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा। यह आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में गाइडलाइन दी गई है, तो इसके अनुसार ही आप फ़ोटो और साइन अपलोड करें। इसके बाद यहाँ जॉन और रीजनल पूछता है, तो जॉन में मेरा मध्य प्रदेश है, भोपाल है, रीजनल भी मेरा भोपाल है। इसके बाद स्टेट अप्लाई में भी मध्य प्रदेश रहेगा मेरा, इसमें यस रहेगा। हिंदी रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें यस रहेगा। इसके बाद नो, इसके बाद कैटेगरी पूछता है, जनरल ओबीसी एसटी एससी, तो मेरा जनरल है तो जनरल पर क्लिक किया, बाकी जो भी आपका हो। यहाँ विकलांग का पूछता है, 40% से ऊपर है तो यस करें और ये कोड है, अन्यथा नो करें। ये सब ऑटोमेटिक नो रहेगा, इसमें भी नो रहेगा। एक्स सर्वेंस है नो, अगर आप एक्स सर्वेंस है तो यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो, इसमें भी नो रहेगा। और ये पूछ रहा है कि आप सेंट्रल बैंक के कर्मचारी हैं तो यस करें अन्यथा नो करें। यहाँ आपका हिंदू पूछेगा कौन से रिजलेशन, उसके बाद यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, और आधार कार्ड नंबर डालें अपना पहचान चिन्ह के लिए, जो आप वहाँ ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाओगे, आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी। यह आधार कार्ड नंबर नहीं है, यह जस्ट डेमो के लिए डाला गया है। यहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर डालेंगे, मेन और सेंट्रल दोनों अलग अलग डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यह भी डेमो के लिए है डेट ऑफ बर्थ, मेरा रियल नहीं है। उसके बाद यहाँ जेंडर में मेल, उसके बाद ट्विन सिस्टर है तो यस या नो करें। उसके बाद जो भी आपका हो, अनमैरिड हो या मैरिड या तलाक या विंडो, ये भी आप डाल सकते हो, मेरा अनमैरिड है। फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, उसके बाद एड्रेस डालेंगे, यह भी मेरा डेमो एड्रेस है, मेरा रेगुलर एड्रेस नहीं है। पिन कोड डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में हो, वही डालें,
अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो भी आप डाल सकते हो। ये एड्रेस बिलिंग के लिए पूछता है, यस करें कंफर्म करें, या नीचे अमाउंट बताएगा कि कितने रुपए का आपका अमाउंट आ रहा है नीचे फॉर्म का। वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद ओके करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप क्लोगे अब एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपकी जानकारी पूछेगा मार्कशीट की, तो यहाँ पर आपको डालना है 10th का पासिंग ईयर, जो मार्कशीट के बिल्कुल नीचे कोने में लिखा रहता है लेफ्ट साइड में, पासिंग ईयर भी डालें उसमें, परसेंटेज डालें और ग्रेड डालें कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका आया हो। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस सारा गवर्नमेंट का ही लगेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नो करें और नीचे लैंग्वेज पे आ जाएं। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपके आती है वो डालें, और रीड राइट स्पीक इस पे भी आपको क्लिक करना हो वो चीज़ डालें आप। इसके बाद आप नेक्स्ट एंड करेंगे तो उसके बाद एक पूरा फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो। अगर कोई गलती है तो आप बैक जाके सुधार भी सकते हो। यह मैंने पूरा फॉर्म चेक किया, उसके बाद यह मार्कशीट की जानकारी आ गई, यह आई एग्री आई कन्फर्म, नीचे वाले पे क्लिक नहीं करना है आपको, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे फोटो एंड वो थम और लेफ्ट का लगेगा, और हैंड राइटिंग भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आगे बाद नाम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपके पेज नंबर 19 में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसको आप अच्छी तरह देख लें मिल जाएगा। उसके बाद ओके करें और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके करें। इस तरह आपका फॉर्म क्या लास्ट कैप्चर डालने के बाद पहुँच जाएगा। सबमिट करें, ओके करें। इसके बाद पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएगा, जहां से आपको पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट और बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड और यूपीआई, ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो जिसमें आपका हो। मेरा लास्ट टाइम मैं क्यूआर कोड से करूँगा, लेकिन आपके पास जो भी सिस्टम हो आप उससे आप कर सकते हो, आपका नो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो सकता है 2-4 पैसे 5 पैसे एक्स्ट्रा लगे, बाकी मैं क्यूआर से करूँगा तो मेरा सुन है 850 रुपये ही देना पड़ेगा। और यह आपका बारकोड शो करेगा, यहाँ पे आप फोन पे करके ओपन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू।